हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल उड़ान द फ्लाई। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर्स की। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बात किया हुआ था सिलेबस के बारे में, हमने पूरा डिस्कशन किया हुआ था। तो अगर आप पहले ये वीडियो देख रहे हैं तो मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इससे पहले आप पहले वाला वीडियो जरूर देख लीजिएगा, जिसमें हमने सिलेबस के बारे में अच्छे से डिस्कस किया है और उसमें ये भी बताया है किस एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से कहाँ से कितने क्वेश्चन बनते हैं। अर्थमेटिक से कौन से एग्जाम में ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एडवांस मैथ से किस एग्जाम में ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो इससे पहले वो वाला जरूर एक बार देख लीजिएगा। तो लेट वी आर स्टार्ट। सबसे पहले हम लोग आज पहली हेडिंग इसमें बनाएंगे, ये हमारा आज चल रहा है इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर, संख्याओं का परिचय। ये संख्याओं का परिचय। अब संख्याओं का परिचय हमने कल पहला टॉपिक बनवाया था, इसमें हम लोग सबसे पहली हेडिंग बनाएंगे अपना, बिल्कुल बेसिक से हम लोग बिल्कुल जीरो से पढ़ना आज स्टार्ट किए हैं। इससे पीछे कुछ होता नहीं है, आप माइनस में चले जाओगे। तो पहला हमारा रहेगा इसमें डिजिट। डिजिट किसे कहते हैं, मतलब अंक। डिजिट देखो, डिजिट कहते किसे हैं, डिजिट जो हमारा होता है जीरो से लेके नौ तक जो हमारे अंक होते हैं उन्हीं को हम डिजिट कहते हैं। और हम लोग किसी भी अंक को संख्या भी कह सकते हैं, लेकिन किसी संख्या को अंक नहीं कह सकते। जैसे यहाँ पे अगर हम कहें हमारा जीरो, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन और ये टेन, ये सॉरी टेन नहीं होगा, यहां तक ये हमारे क्या है, डिजिट है, इनको हम लोग कहते हैं अंक, डिजिट। लेकिन अगर हम बात करें, अगर आगे हम कहें ये टेन, इलेवन या फिर हाँ ETC अगर हम कहें 112, ये सब क्या है, तो ये हमारे अंक बन जाते हैं। अंक मतलब कम से कम दो संख्याएं, जब हमारी जब कोई संख्या हमारी सिंगल सिंगल रहती है तो उसको हम लोग अंक कहते हैं, और जब दो मिल जाती है, जैसे यहाँ पे हमारा वन मिला है और जीरो मिला है, तो ये हमारा दो अंक हो गया, अब ये हमारी संख्या बन गई। अब ये अब हम लोग इसे अंक नहीं कहेंगे, इसको हम लोग संख्या भी कह सकते हैं, अंक भी कह सकते हैं, बट हम लोग इसको अंक नहीं कह सकते, ये हमारी संख्या बन जाती है। क्लियर? तो अगर आपसे पूछे कोई डिजिट किसे कहते हैं, तो आप बता देना जीरो से लेके नौ तक कि जो संख्याएँ होती हैं इन्हीं को हम लोग डिजिट भी कहते हैं, संख्या भी कहते हैं, ठीक। लेकिन अगर कोई आपसे पूछे दस क्या है, तो दस आपकी संख्या है, ठीक, अंक नहीं है, अंक मतलब अकेला होगा। ओके, क्लियर? तो चलिए हम लोग अपने अगली हेडिंग पे आते हैं। तो हम लोग नंबर सेकंड में पढ़ेंगे नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्याएं, ठीक, नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्याएं किसे कहते हैं। अब देखो, प्राकृतिक संख्याएं हमारी गिनती की सभी संख्याएं, गिनती की सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं, लेकिन इसमें हम लोग जीरो को शामिल नहीं करते हैं। ओके, तो अगर हम यहाँ पे एग्जाम्पल बनाएं, एग्जाम्पल करके देखें, तो हमारा वन, टू, थ्री, फोर, डॉट डॉट डॉट, ठीक, ये सारी संख्याएँ जो होती हैं ये हमारी क्या कहलाती हैं, प्राकृतिक संख्याएँ। ओके, क्लियर? तो अगर कोई पूछे प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, तो आप कह देना कि गिनती की सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। ओके, अब अगली हम लोग हेडिंग बनाते हैं होल नंबर। ठीक, होल नंबर मतलब पूर्ण संख्या, लिख दे रहे हैं यहां पे हिंदी, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, अब देखो पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या में बस इतना ही अंतर है कि जब हम लोग जीरो को शामिल नहीं करते हैं तो हमारा ये रहता है नेचुरल नंबर, लेकिन अगर इसी में हम आगे जीरो से स्टार्ट करना शुरू कर दें तो ये हमारा हो जाता है होल नंबर, मतलब पूर्ण, बिना जीरो के तो पूर्ण होता नहीं है, कंप्लीट होता नहीं कुछ, ठीक।
आप लोग सुने भी होंगे, जब जीरो दिया मेरे भारत ने तब दुनिया को गिनती आई। इसका मतलब पहले दुनिया वाले आधे अधूरे थे, जब जीरो की खोज हुई तो उसके बाद गिनती आगे बढ़ना शुरू हो गई। तो इसलिए हम लोग जब यहाँ पे अपना एग्जाम्पल बनाएंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, 0, 1, 2, 3, 4 इट इज, ठीक। तो ये हमारा हो जाता है पूर्ण संख्या। अब कभी भी पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या में कंफ्यूज मत होना, ओके। यहाँ पे एक एक चीज को ध्यान से फिर से समझो, एक बार मैं और बता दे रहा हूँ। हमने कहा कि प्राकृतिक संख्या की बात आएगी तो 1, 2, 3, 4, ठीक, एस वन। अगर पूर्ण संख्या की बात आएगी तो इसी प्राकृतिक संख्या में जब जीरो को हम लोग इंक्लूड कर लेंगे, जीरो को शामिल कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये होल नंबर हो जाता है, ओके, क्लियर। तो आप लोग कॉपी और पेन लेके जरूर बैठा करें, ताकि हम जो चीज़, अब यहाँ पे पूरा हिंदी लिखना तो पॉसिबल है नहीं, तो मैं उसको ओरली बोल दे रहा हूँ, और आप लोग अगर कॉपी और पेन लेके बैठे रहेंगे तो पूरा का पूरा नोट डाउन कर लेंगे नोट्स में, ओके। फिर जब कभी भी रिवीजन करना होगा तो फटाफट अपना पेज पलटे और रिवीजन कर लिए। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिना इसके आप लोग मैथ में कदम नहीं रख पाओगे। हम लोग पहला चैप्टर जब एवरेज ही पढ़ना स्टार्ट करेंगे ना, तो वहां पे भी ऐसे बोल देगा, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात करो, प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात करो, प्रथम 20 सम संख्याओं का औसत ज्ञात करो, प्रथम 15 रूढ़ संख्या या अभाज्य संख्या का औसत ज्ञात करो। तो आप लोग जब जानते ही नहीं रहोगे ये कहते किसे हैं, तो फिर खो ही नहीं पाएगा क्वेश्चन। इसीलिए मैं जब भी स्टार्ट करता हूँ तो बिल्कुल बेसिक से सबसे पहले इन जो ये हमारा छोटा छोटा फंडा है, इसको बताते हैं कि ये फंडे कैसे हैं, हाँ, ये काम कैसे करते हैं, फंक्शन कैसे करते हैं, उसके बाद फिर हम लोग अपने चैप्टर पे आते हैं, ओके। तो आगे बढ़ते हैं अब। हम लोगों ने 2 तक पढ़ लिया, अब हमारी सॉरी 3 हो गया था। अब आप लोग चौथी हेडिंग बनाओ, इंटीगर नंबर। इंटीगर नंबर मतलब पूर्णांक संख्या। इंटीगर नंबर मतलब पूर्णांक संख्या, ठीक। अभी देखो, हम लोगों ने होल नंबर पढ़ा था, यहाँ पे भी बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते, वो रिलेट ही नहीं कर पाते चीजों को। अभी हम लोगों ने इससे जस्ट पहले यहाँ पे हम लोगों ने होल नंबर पढ़ा था, ये पूर्ण संख्या थी, और अभी जो मैं हेडिंग बनाया हूं ये हमारा पूर्णांक संख्याएं हैं, क्लियर। तो पूर्णांक संख्याएं हमारी जो होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। इनको अगर हम डिवाइड करें तो इनको वो 3 भागों में हम डिवाइड करते हैं। पहला हमारा होता है पॉजिटिव इंटीगर, पॉजिटिव इंटीगर जिसमें हम लोग किसको शामिल करते हैं, जैसे हमारा 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, ठीक। ये हमारा होता है पॉजिटिव इंटीगर, ये माइनस में नहीं होते ना ही जीरो होते हैं। अब हमारा सेकेंड नंबर पे आता है जीरो इंटीगर, जीरो इंटीगर को मैं आई से लिख दे रहा हूं, ठीक है। यहां पे पॉजिटिव इंटीगर को मैं आई इंडिकेट करके यहां पे मैं प्लस कर दे रहा हूं, ठीक। ये पॉजिटिव इंटीगर होगा, ये जीरो इंटीगर को मैं यहां छोटा सा जीरो लिख दे रहा हूं, तो ये जीरो इंटीगर होगा, ठीक। आई मतलब इंटीगर। अब जीरो इंटीगर में क्या आएगा, जीरो इंटीगर में सिर्फ हमारा जीरो ही आता है और कुछ नहीं, ओके। तो जीरो इंटीगर में हमारा क्या आएगा, जीरो। अब जो हमारा थर्ड वाला होता है वो हमारा होता है निगेटिव इंटीगर, ठीक, निगेटिव इंटीगर। इंटीगर मतलब आई, निगेटिव इंटीगर, इसको हम यहां पे ये माइनस कर दे रहे हैं, ठीक। जैसे यही संख्याएं हैं ना, पॉजिटिव इंटीगर, पॉजिटिव इंटीगर में ही अगर हम माइनस लगा दें तो क्या हो जाएगा हमारा, निगेटिव इंटीगर। तो चलो यहाँ पे अगर हम देखें इसका एग्जांपल, कहते हैं -1, -2, -3, -4, ठीक। तो ये हमारा क्या हो जाता है, निगेटिव इंटीगर, इसको हम लोग कहते हैं ऋणात्मक, ओके।
चलें अब हम लोग बात करते हैं, ये इंटीजर हो गया, पूर्णांक संख्याएं हो गई, इतना क्लियर हुआ, हो गया ना। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अपने अगली हेडिंग पे आते हैं, पांचवी। अब पांचवे नंबर पे हम लोग पढ़ेंगे कि सम संख्याएं कहते किसे हैं। ओके, सम संख्याएं कैसे कहते हैं, सम संख्या ठीक, इसको हम लोग कहते हैं इवन नंबर। ठीक, सम संख्याएं यहां पे लिख दे रहे हैं, ठीक इवन नंबर, ये है हमारा इवन नंबर। अब देखो सम संख्याएं कहते किसे हैं, वह संख्याएं जो स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से, या फिर अगर इसकी सिंपल सी हम डिफिनीशन बनाएं तो ऐसी संख्याएं जो दो से कट जाए वो क्या होती हैं, सम संख्याएं होती हैं। क्लियर, ऐसी संख्याएं जो दो से कट जाए वो क्या कहलाती हैं, सम संख्याएं कहलाती हैं। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, मैं बोल दे रहा हूँ एक बार और, ऐसी संख्याएं जो दो से कट जाएं सम संख्याएं कहलाएंगी। अब अगर हम एग्जाम्पल सम संख्याओं का लें तो हमारा दो चार छ आठ ठीक ऐसे वन, तो ये हमारा क्या होता है, ये हमारी होती हैं सम संख्याएं। अब हम लोग आते हैं विषम संख्याओं पे, ठीक अगली हेडिंग बनाते हैं विषम संख्याएं, ऑड नंबर। ऑड नंबर मतलब विषम संख्याएं, ठीक। चलो विषम संख्याओं को समझते हैं, विषम संख्याएं कहते हैं कि अभी हमने सम की डिफिनेशन बताया कि वह संख्याएं जो दो से कट जाएं, अब विषम में क्या हो जाएगा, वह संख्याएं जो दो से ना कटे, सिंपल सी बात है भाई, सम का उल्टा विषम। तो परिभाषा में भी हम क्या कर देंगे, सिर्फ ना जोड़ देंगे, जो दो से कट जाए सम, जो दो से ना कटे विषम। तो यहां पे अगर हम एग्जाम्पल बनाए विषम संख्याओं का तो वो क्या जाएगा, एक है हमारा, तीन है, पांच है, सात है, नौ है, ठीक ग्यारह है, ऐसा। ये सारी हमारी संख्याएं क्या है, विषम संख्याएं हैं, ऑड नंबर हैं। क्लियर है इतनी बात, बिल्कुल मैं सिंपल शब्दों में बता रहा हूं आप लोगों को, आज समझ लीजिए, इसके बाद पूरी लाइफ में ऐसा कभी पढ़ने को नहीं पाओगे इतने सरल भाषा में। अगर आज समझ में आ गए जिस बच्चे को तो आ गया, नहीं तो पूरी लाइफ टाइम नहीं सीख सकता, इस बात की गारंटी है हमारी। एक बार अच्छे से पढ़ लो, यहाँ पे नोट बना लो, मुश्किल से दो पेज का होगा ये सारा का सारा मैटर, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट भी यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, अभी आगे बताते हैं कैसे। चलिए हम लोग अपने अगली हेडिंग पे आते हैं, सातवां, ठीक ये हमारा ऑड नंबर होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं कहते किसे, अभी हम लोगों ने एक बार प्राकृतिक संख्या पढ़ा था, अब पढ़ेंगे क्रमागत कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर। ओके, इसको हम लोग कहते हैं क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं। क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं, अब देखिए क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं कहते किसे हैं, क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं कहते किसे हैं, वह संख्याएं
देखो इसका हम डिफिनेशन तो देना इसका, हाँ थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा, इसको एक एग्जाम्पल में सीधे सीधे हम लोग समझ लेते हैं, एक एग्जाम्पल में इसको देख लेते हैं। क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का क्या मतलब है? जैसे हमारी कोई संख्या हुई अगर यक्स, पहली संख्या अगर यक्स हुई, तो हमारी दूसरी संख्या क्रमागत मतलब एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, ठीक। अगर हमारी पहली संख्या यक्स, तो इसके बाद जस्ट इससे एक अधिक होगा, मतलब एक्स प्लस वन होगा। अब इससे बाद अगली संख्या जो होगी वो इससे एक अधिक होगी, मतलब एक्स प्लस टू। अब इससे बाद वाली जो संख्या होगी वो इससे भी एक अधिक होगी, तो मतलब एक्स प्लस थ्री। और ये इसी तरह से आगे ऐसे बढ़ता रहेगा, ठीक। तो ये हमारा क्या हो जाता है, क्रमागत प्राकृतिक संख्या। क्रमागत मतलब क्रम, बिल्कुल एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। जैसे अगर हम कहें कि हमारी पहली क्रमागत संख्या, अगर हम लोग मान लें थोड़ी देर के लिए, पहली क्रमागत संख्या अगर हमारी 5 है, तो अगली क्या हो जाएगी, 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, ठीक। इसी क्रम में क्रमागत मतलब यही होता है। तो ये बात आप लोग समझ गए होंगे कि अगर क्रमागत प्राकृतिक संख्या की बात कर रहा है, तो अगर हमारी पहली संख्या हम यक्स मानेंगे, तो दूसरी संख्या एक्स प्लस वन हो जाएगी, तीसरी संख्या एक्स प्लस टू, चौथी एक्स प्लस थ्री, पांचवी एक्स प्लस फोर, और ऐसे ही आगे बढ़ता चला जाएगा। क्लियर? तो चलिए हम लोग अपने अगले नंबर पे आते हैं। यहाँ पे कितना नंबर था जी? 7 नंबर था। अब हम लोग आते हैं 8वें नंबर पे। हमारा 8वां नंबर है। अब क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं हो गई, अब हम लोग पढ़ेंगे क्रमागत सम संख्याएं, फिर क्रमागत विषम संख्याएं। तो क्रमागत सम के बारे में देखते हैं। कॉन्जिक्यूटिव इवेन नंबर, इसको कहते हैं क्रमागत सम संख्याएं। ठीक, ये है क्रमागत सम संख्याएं। अब देखिए क्रमागत सम संख्याएं कहते किसे हैं? क्रमागत सम संख्याओं का भी अगर हम लोग सीधा सीधा एग्जाम्पल लिखें बिना कुछ किए, तो सम में अभी हम लोगों ने पढ़ा था 2, 4, 6, 8, ऐसे ऐसे पढ़ा था। तो सम संख्याओं में अगर दो दो का अंतर था, 2, 4, 6, 8, तो क्रमागत सम में भी तो दो दो का अंतर होगा ना, होगा ना। क्लियर है? तो अगर हम पहली क्रमागत सम संख्या को अगर हम यक्स मानेंगे, तो अगली हमारी क्रमागत सम संख्या क्या हो जाएगी, एक्स प्लस टू। दो दो का अंतर करते चले जाना है। अगली क्रमागत सम संख्या क्या हो जाएगी, एक्स प्लस फोर। अगली क्या हो जाएगी, एक्स प्लस सिक्स। और इसी तरह से ये आगे हमारी बढ़ती रहेगी। जब भी सम संख्या की बात करेगी, तो आप सबको पता है कि सम संख्याओं में दो दो का अंतर होता है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे भी जब सम की सीरीज बनाएंगे क्रमागत वाली, तो अगर हमारी पहली सम संख्या एक्स होगी, तो अगली एक्स प्लस टू, एक्स प्लस फोर, एक्स प्लस सिक्स, एक्स प्लस एट, एक्स प्लस टेन, और ऐसे ही आगे बढ़ती चली जाएंगी। आगे अब हम लोग आते हैं अपने, क्रमागत प्राकृतिक हो गया, क्रमागत सम हो गया, क्रमागत विषम भी आएगा, डेफिनेटली आएगा। तो अब हम लोग पढ़ते हैं 9वें नंबर पे क्रमागत विषम संख्याएं, कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर। कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर क्रमागत विषम संख्याएं। ओके, क्रमागत विषम संख्याएं। अब देखें क्रमागत विषम संख्याएं कहते कैसे हैं। अभी हमने विषम वाली बात आपको बताई थी कि विषम संख्याएं होती क्या हैं, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17। तो आपको दिख रहा होगा अंतर कितने का है, दो का। अगर दो का अंतर है, तो इसका मतलब जब हम लोग क्रमागत विषम संख्या को भी बनाएंगे, तो भी तो दो का अंतर होगा, होगा ना। तो यहां पे अगर हम लोग बात करें क्रमागत विषम संख्याओं की, अगर यहां पे हम एग्जाम्पल उठाएं इसका, तो अगर हम लोग पहली क्रमागत विषम संख्या यक्स ले लें, अगर हमारी पहली क्रमागत विषम संख्या यक्स हो जाएगी,
तो अगली विषम संख्या इससे दो अधिक होगी, होगी ना, तो क्या होगा इससे दो अधिक x प्लस टू। फिर अगली क्रमागत विषम संख्या क्या हो जाएगी इससे भी दो अधिक x प्लस फोर। अगली क्रमागत विषम संख्या इससे भी दो अधिक x प्लस सिक्स। इसी तरह से ये भी आगे बढ़ती चली जाएगी। अब यहां पर जो बच्चों को कंफ्यूजन होता है वो ये होता है कि सर आपने तो सम वाली भी सीरीज वही लिखी और विषम वाली भी सीरीज वही लिखी। तो मैं एक बात आपको अभी देखो एक छोटे से एग्जाम्पल के माध्यम से, बहुत ही प्यारा सा एग्जाम्पल लेंगे और उसके माध्यम से आपका सारा डाउट ही आज क्लियर हो जाएगा। पूरी जिंदगी में कभी नहीं इसमें कंफ्यूजन होगा कि ऐसा क्यों होता है। देखो अगर हमने सम वाली सीरीज लिखी थी, अभी हमने कहा था कि सम में हमने कहा था कि 2, 4, 6, 8 ऐसे चलता है। तो सपोज दैट अगर हम पहली सम संख्या अपनी 2 मान लें, ठीक, अगर हम लोग अपनी पहली सम संख्या 2 मान लें, देखें अगर हम लोग पहली सम संख्या 2 मान लें तो हमारी दूसरी सम संख्या कितनी 4, तीसरी कितनी इससे भी दो अधिक 6, चौथी कितनी इससे भी दो अधिक 8, पांचवी कितनी इससे भी दो अधिक 10, ठीक ऐसे ही। अब देखो अब यहां पे आओ विषम वाले में, अगर हम लोग पहली विषम संख्या 1 मान लें, आप कुछ भी मान सकते हो, कुछ भी मान लो कोई दिक्कत नहीं, पहली विषम संख्या 1 मान लें तो दूसरी कितनी हो जाएगी इससे दो अधिक, दो अधिक मतलब कितना 3, फिर अगली इससे दो अधिक 5, फिर अगली इससे दो अधिक कितना 7। अब देखो अगर हमने x का मान 1 लिया है तो यहाँ पे 1 रखोगे 1 और 2 कितना 3, और यहाँ पे भी 1 रखोगे तो 1 और 4 कितना 5, यहाँ पे भी 1 रखोगे तो 1 और 6 कितना 7। तो ऐसे ही ये आगे बढ़ती चली जाएगी। अब आप लोगों को समझ में आया कि अगर पहली संख्या हमारी विषम वाली बात होती, अगर सॉरी सम वाली बात होती, अगर हमारी पहली संख्या सम होती है तो उसमें हम दो दो जोड़ते चले जाएंगे आगे तक, तो वो सम वाली ही सीरीज आएगी। क्लियर? अगर हमारी पहली संख्या विषम होती है तो उसमें हम दो दो जोड़ते चले जाएंगे तो हमेशा विषम संख्या ही आएगी। इसीलिए सम और विषम दोनों की सीरीज एक ही होती है, एक ही जैसे सम संख्या की वैसे ही विषम संख्या की, बस अंतर यही होता है कि जब हमारी पहली सम संख्या कोई निकल के आएगी ना तो जैसे ही उसको यहाँ पे रखोगे वैसे ही उसमें दो दो जोड़ते चले जाओगे तो सारी की सारी सम संख्याएं आती चली जाएंगी। जैसे ही विषम वाली आप निकालोगे, विषम यहाँ पे रखोगे, वैसे ही विषम में दो दो आप ऐसे जोड़ते चले जाओगे ना बढ़ाते बढ़ाते, तो हमेशा वो विषम ही आएगा। बात समझ में आई? तो अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। ठीक, लास्ट हेडिंग हमारी कितने नंबर की थी, 9 नंबर की। अब हम लोग आते हैं 10 नंबर पे। देखो हम लोगों ने क्रमागत विषम पढ़ ली, अब हम लोग पढ़ रहे हैं अभाज्य संख्या और भाज्य संख्याओं के बारे में। क्लियर? तो सबसे पहले हम लोग अभाज्य संख्या के बारे में पढ़ लेते हैं। भाज्य में कुछ है ही नहीं, भाज्य में कुछ नहीं है, अभाज्य पढ़ लो, भाज्य आ गया। तो हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पे अभाज्य संख्याएं, जिसको हम लोग कहते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर अभाज्य संख्याएं, अब देखें अभाज्य संख्याएं। सबसे पहले मैं अभाज्य संख्या की डिफिनीशन बोल रहा हूं, और हमने बार बार ये बात कहा है कि आप लोग कॉपी और पेन लेके जरूर बैठिए, जिससे मैं जितना भी डिफिनीशन बता रहा हूं आप लोग उसको साथ में नोट करते चलें। हमने कहा सिर्फ 2 पेज की बात है, 2 पेज में आपकी पूरी लाइफ बदल जाएगी, मैथ को देखने का तरीका बदल जाएगा, समझने का तरीका बदल जाएगा, चीज़ें आसान लगने लगेंगी, जिसमें हम लोग बचपन से ना इतने बड़े होते हैं और कंफ्यूज ही रहते हैं कि ये क्या है, सम विषम या क्या। तो आज वो सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी आपकी, सिर्फ 2 दिन मेहनत करना पड़ेगा, एक बार आज पढ़ लो और एक बार कल पढ़ने से पहले रिवीजन कर लेना, सारी समस्याएं खत्म।
तो देखो अब हम लोग देखते हैं अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं कहते किसे हैं, इसकी डिफिनीशन सुन लो पहले। एक से बड़ी वह संख्या जो स्वयं और एक के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो। एक से बड़ी वह संख्या जो स्वयं और एक के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो, तो हम लोग उसको क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। बात समझ में आई, संख्या एक से बड़ी होनी चाहिए। इस बात का ध्यान दीजिएगा, पेपर में पूछा जाता है एक भाज्य है या अभाज्य। अब आपसे पूछा जाएगा, कोई आपसे कोई अगर आपके ब्रेन का कोई टेस्ट लेना चाहता है ना, तो ऐसे पूछ लेते हैं एक अभाज्य संख्या है, तो लोगों को समझ में आता है एक विषम संख्या है, हमने पढ़ा था। वो अभाज्य नहीं समझते हैं, उनके माइंड में क्या हो जाता है, अभाज्य कन्वर्ट होके विषम बन जाता है, कहते हैं हाँ 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 एक है, जबकि नहीं है। हमने डिफिनेशन क्या बताया, एक से बड़ी होनी चाहिए, एक सिर्फ और सिर्फ विषम संख्या है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। बात समझ में आई, तो चलो हम लोग यहाँ पे देखते हैं। अब अगर हम लोग इसका एग्जाम्पल बनाएं, डेफिनेशन बता दिया, अब इसका एग्जाम्पल बनाएं अभाज्य संख्याओं की, तो देखो होता क्या है। सबसे पहला हमारा संख्या दो, लोगों से पूछा जाता है दो भाज्य है कि अभाज्य, दो एक मतलब अगर हम दो को देखें तो दो इकलौता ऐसा पूरे मैथ का नंबर है जो सम है, क्या है, सम है, लेकिन अभाज्य है। दो के अलावा ऐसे किसी भी संख्या में ये पॉसिबल ही नहीं है कि सम संख्या और साथ में भाज्य हो। दो के अलावा सारी सम संख्याएं किसी ना किसी से कटती हैं। हमने अब देखो, अब इस पे हम लोग सबसे पहले मैं लिख दे रहा हूं, यहाँ पे दो है हमारा, तीन है, पांच है, सात है, नौ नहीं है। अगर हम बात करें नौ की तो नौ नहीं है, क्यों, क्योंकि नौ तीन से कटता है, दस भी नहीं है। फिर हमारा क्या आता है, ग्यारह, तेरह, पंद्रह नहीं है, पांच और तीन दोनों से कटेगा, सत्रह। ऐसे ही बहुत सारी संख्याएं हैं, बहुत सारी संख्याएं। तो अब मैं बात करता हूं मुद्दे की थोड़ा सा, कि दो वाला फंडा क्या होता है। हमने कहा दो सम संख्या होने के बावजूद भी अभाज्य संख्या होती है, क्योंकि हमारी परिभाषा यही कहती है कि एक से बड़ी वह संख्या, तो दो एक से बड़ा है कि छोटा, आप लोग बताएं, बड़ा है ना, एक से बड़ी वह संख्या जो स्वयं और एक के अलावा, क्या आप बताएं ये जो दो है ये या तो एक से कटेगा या तो स्वयं दो से कटेगा, क्या इसके अलावा किसी संख्या से कटेगा, नहीं ना, नहीं कटेगा ना, तो फिर ये क्या हुआ, अभाज्य हुआ। कैसे, हमारी परिभाषा यही कहती है, इसलिए दो को सम होने के बावजूद भी हम लोग क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या है। बात समझ में आ गई होगी, आज इस बात को समझ लीजिए, इतने अच्छे से कोई नहीं समझाएगा आपको, पूरे भारत में आप ढूंढ डालो कोई नहीं समझाएगा, गारंटी है इस बात की। तो ये बात आपकी क्लियर हो गई होगी, ठीक। दो वाला फंडा, हम जिस बात को हाईलाइट कर रहे हैं ये एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, और लोग आपका जब कॉमन टेस्ट लेना चाहते हैं ना, तो यही काम कर देते हैं और आप उसमें हो जाते हो फेल। है तो बहुत छोटी सी बात, लेकिन आप हो जाते हो फेल उसी में, आपका अच्छा खासा क्रेडिट खराब हो जाता है। तो अगर आपको उस क्रेडिट को बचा के रखना है तो इन छोटी छोटी बातों को थोड़ा हाँ केयरफुली समझना पड़ेगा, ओके। तो चलो हम लोग अपनी अगली हेडिंग पे आते हैं। अच्छा, अभाज्य संख्याओं को हम लोग कुछ और नाम से भी जानते हैं, इसको भी बता दे रहे हैं। इसी अभाज्य संख्या को ना हम लोग एक नाम और देते हैं, रूढ़ संख्या। रूढ़ संख्या इसको ऐसे लिखते हैं, देखो ये और ये ऐसे रूढ़ संख्या, या इसी को एक और नाम हम लोग और देते हैं, असंयुक्त संख्या। असंयुक्त संख्या, ऊपर स्पेस नहीं है, मैं नीचे लिख दे रहा हूँ, ठीक है, मैं यहाँ नीचे लिख दे रहा हूँ। इसी को क्या कहते हैं, असंयुक्त संख्या। असंयुक्त संख्या,
संयुक्त संख्या। बात समझ में आई? अगर आपसे रूढ़ संख्या कहा जाए, क्योंकि कभी कभी पेपर में क्या होता है ना, ये अभाज्य संख्या बहुत ही प्रचलित हो चुका है, बहुत ही आउटडेटेड हो चुका है, तो थोड़ा सा मॉडिफाई लेवल बढ़ाने के लिए रूढ़ संख्या कह देता है। और जैसे ही रूढ़ संख्या कह देता है तो 90% बच्चे इस बात का दावा है, रूढ़ या संयुक्त कह दिया तो 90% बच्चे इसी में फेल हो जाते हैं, वो गलत करते हैं, उनको समझ में नहीं आता ये क्या है। अगर वही अभाज्य कह दिया जाए तो बहुत आसानी से समझ जाते हैं, तो इसलिए आप लोग इनको भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ओके, अब इसमें एक दो फैक्ट और आते हैं। हमारा फैक्ट क्या है, हमें जांच करना होता है। थोड़ा सा हम बात समझ लेते हैं कि हम लोग समझेंगे कैसे, कि अगर हम इसकी बात करें कि हम लोग कैसे समझते हैं कोई संख्या भाज्य है या अभाज्य, तो इसका बहुत ही एक लंबा सा प्रोसेस होता है। उसमें मैं कभी फिर मतलब एक और वीडियो बना दूंगा जिसमें हम लोग समझ जाएंगे कि कोई संख्या भाज्य है कि अभाज्य, कैसे चेक करते हैं। कोई बड़ा बड़ा नंबर पेपर में दे देता है ना और पूछता है, ऐसे दे देगा 1001, पूछेगा ये भाज्य है कि अभाज्य, तो हम लोग इसको कैसे करेंगे? अब ऐसा तो संभव है नहीं, एक से हम दो से भाग दें, तीन से भाग दें, चार पाँच छः सात आठ 1001 तक संख्याओं से भाग दें, अगर कट जाए तो कहते हैं भाज्य है, नहीं तो अभाज्य है। इतना करने में पता है आपका एक घंटे दो घंटे का पेपर होता है ना, पूरा समय ही निकल जाएगा। तो इसको हम लोग समझेंगे, ठीक है, फिर इस पर हम एक अलग से वीडियो हमें लाना पड़ेगा, अभी बनाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, तो इसलिए इस पर हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे। ठीक, तो आगे हम लोग अब इससे आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं भाज्य संख्या के बारे में। दसवीं हमारा दसवें नंबर पे है भाज्य संख्या। कंपोजिट नंबर, ठीक, भाज्य संख्या। अब देखो भाज्य संख्या कैसे कहते हैं, अभी हमने जैसा अभाज्य का पढ़ा था उसी का उल्टा कर दो, उसी का उल्टा कर दो। हमने भाज्य में बताया ऐसी संख्या जो स्वयं और एक के अलावा किसी अन्य से ना कटे, अभाज्य। अब इसमें परिभाषा बदल जाएगी, ऐसी संख्या जो स्वयं और एक के अलावा किसी अन्य संख्या से कट जाए, वही ना हटा दो उसमें का क्या कर दो, ना हटा दो। ऐसी संख्या जो स्वयं और एक के अलावा किसी अन्य संख्या से कट जाए तो क्या हो जाएगी, वो भाज्य संख्या हो जाएगी। क्लियर, बिल्कुल इसमें कुछ है ही नहीं। हमने बताया था ना, आप अभाज्य पढ़ लो भाज्य तो अपने आप आ जाएगा, आप सम पढ़ लो विषम अपने आप आ जाता है, बस ना हटाना होता है ना लगाना होता है। तो यहाँ पे हम लोग कहेंगे ऐसी संख्या मतलब एक से बड़ी वह संख्या जो स्वयं और एक के अलावा किसी अन्य संख्या से भी कट जाए तो भाज्य हो जाएगी। अब हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल हमारा है 4, 6, 8, 9, 10, 12। तो इस टाइप की जो संख्याएं होती हैं ये सारी क्या होती हैं, हमारी भाज्य संख्याएं। ठीक, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इनको हम लोग कहते हैं ये हमारी हैं भाज्य संख्याएं। क्लियर है, इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं। अच्छा, भाज्य संख्या को एक नाम से और जानते हैं, भाज्य संख्या को ही कभी कभी क्या लिखा जाता है, संयुक्त संख्या। हमने अभी बताया था अभाज्य में उसको असंयुक्त कहते हैं और भाज्य वाले को संयुक्त कहते हैं, बस इतना ही बात है। ठीक, बाकी भाज्य में कुछ है नहीं, बिल्कुल सिंपल सा है। तो हम लोग आते हैं अपने अगले नंबर पे। अब देखो, अब हमें कुछ ऐसी संख्याओं के बारे में जानना है जैसे हमसे कह दिया जाए कि सअभाज्य संख्याएं या जुड़वा अभाज्य संख्याएं कहते किसे हैं। ठीक, जुड़वा भाज्य संख्या सहभाज्य, तो हम लोग उसको भी पढ़ लेते हैं। अगर डबल प्राइम नंबर हमसे पूछा जाए कि डबल प्राइम नंबर कहते किसे हैं, DOUBLE, डबल प्राइम नंबर जिसको हम लोग कहते हैं क्या,
जुड़वा अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं देखें, जुड़वा अभाज्य संख्याएं कहते किसे हैं? देखो, जुड़वा अभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याओं के कहते हैं, या दो ऐसी संख्याएं, दो ऐसी अभाज्य संख्याएं, दो ऐसी अभाज्य संख्याएं जिनके बीच अंतर दो का हो। जुड़वा से समझ में आ रहा है ना? आपने जुड़वा टू मूवी देखा होगा। जुड़वा टू मूवी अभी आई थी ना, वरुण धवन की, शायद आई थिंक वरुण धवन की थी। तो जिसकी भी रही हो, उससे हमें एक बात सीख लेना है मैथ में कि जुड़वा मतलब, जुड़वा अभाज्य की जब बात करेगा तो ऐसी दो अभाज्य संख्याएं जिसमें अंतर दो का है, तो हो जाएगा जुड़वा टू। ठीक, ऐसी दो अभाज्य संख्या जिनके बीच अंतर दो का हो उनको हम डबल प्राइम नंबर कहते हैं, जुड़वा अभाज्य संख्या कहते हैं। अब यहाँ पे एग्जाम्पल बनाते हैं हम। एग्जाम्पल जैसे हम लोग बात करें 3 और 5 की, तो देखो दो की दोनों क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं। इनके बीच अंतर कितने का है? दो का है ना, 3 2 5। चलो अगला देखते हैं, 5 और 7 है ना, 5 और 7। अगला 11 और 13 है ना, ऐसे 17 और 19, ऐसी बहुत सारी संख्याएं हैं। ठीक है, बहुत सारी संख्याएं हैं। तो आप लोग आप इस बात को समझ गए होंगे, अगर जुड़वा अभाज्य संख्या के बारे में पूछा जाए तो ऐसी दो अभाज्य संख्या जिनके बीच अंतर दो का हो, जुड़वा अभाज्य, बिल्कुल सिंपल सी बात है। क्लियर? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारी सह अभाज्य संख्याएं, को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर ठीक, क्लियर? सह अभाज्य संख्याएं। अब देखो सह अभाज्य संख्याएं कहते किसे हैं? सह अभाज्य संख्याएं कहते किसे हैं? को प्राइम नंबर, इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं को प्राइम नंबर, और हिंदी में सह अभाज्य संख्याएं। ऐसी दो या दो से अधिक संख्याओं के ऐसे जोड़े, अकेली संख्या नहीं होगी। सह से समझ में आ रहा होगा कि साथ साथ, मतलब कोई अकेला तो साथ साथ होता नहीं है, अकेला रहेगा तो उसको हम लोग कहेंगे तो वो तो अकेला है। सह मतलब साथ साथ, मतलब कम से कम दो का होना तो जरूरी होता है ना। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें सह अभाज्य संख्याओं की, तो दो या दो से अधिक संख्याओं के ऐसे जोड़े जिनका मासा एक हो। मासा एक मतलब क्या? जिनमें कोई संख्या कॉमन ना हो। इसको दो तीन तरीके से बोला जाता है। पहला तरीका तो ये है कि दो या दो से अधिक संख्याओं के ऐसे जोड़े जिनका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। पहला तरीका बोलने का, दो या दो से अधिक संख्याओं के ऐसे जोड़े जिनका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, तो उन्हें हम लोग कहते हैं सह अभाज्य संख्याएं। या दूसरी भाषा में इसे कहा जाए, दो या दो से अधिक संख्याओं के ऐसे जोड़े जिनका मासा एक हो। जिनका मासा क्या हो? एक हो, तो भी उसे हम लोग कहेंगे क्या? सह अभाज्य संख्याएं। या तीसरे शब्दों में कहा जाए, दो या दो से अधिक संख्याओं के ऐसे जोड़े जिनमें एक के अलावा कुछ कॉमन ना हो, जिनमें एक के अलावा कुछ कॉमन ना हो, तो उसे हम लोग कहते हैं कि आपस में सह अभाज्य संख्याएं। अब हम लोग यहां पे एग्जांपल बनाते हैं। आप लोग सारी डिफिनीशन नोट जरूर कर लीजिएगा क्योंकि बहुत काम आने वाला है। अब यहाँ पे अगर हम एग्जाम्पल बनाएं, और एक बात और समझें कि सह अभाज्य संख्याओं के लिए कोई ऐसा जरूरी नहीं है कि संख्याएं अभाज्य ही हों। ओके, अभी देखो यहाँ पे हम एग्जाम्पल बना रहे हैं, समझ जाओगे। जैसे जैसे मैं बात करूं 2 और 3 की, 2 और 3 की, ये दोनों संख्याएं आपस में सह अभाज्य हैं।
ये दोनों आपस में क्या है, सहभाज्य हैं। क्यों? क्योंकि अगर इनका आप मासा निकालोगे तो भी एक आएगा, अगर देखोगे तो एक के अलावा इसमें कुछ कॉमन ही नहीं है, और इनका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड तो है भी नहीं। बात समझ रहे हैं? तो ये क्या आपस में सहभाज्य हैं। अगर हम बात करें चार पांच की, आपस में क्या है, सहभाज्य हैं। चार हमारा अभाज्य संख्या तो नहीं है, यहां पे कंफ्यूज मत होइएगा, मैं बार बार इस बात की क्लेरिफाई कर रहा हूं कि सह अभाज्य संख्याओं के लिए ये आवश्यक नहीं है कि संख्याएं अभाज्य ही हों, पर इतना जरूर आवश्यक है कि उनमें कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए, उनका मासा एक के अलावा कुछ नहीं आना चाहिए, उनका उभयनिष्ठ गुणनखंड एक के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक, तो अब देखो चार और पांच में क्या आप कुछ कॉमन कर पाओगे? नहीं ना। तो ये आपस में क्या है, सहभाज्य संख्याएं हैं। आप एक और लिख लो, लिख लो 12 12 13 14, ये सब आपस में क्या है, सहभाज्य। अब अगर हम इन तीनों संख्याओं की बात करें तो ये तीनों सहभाज्य हो जाएंगी आपस में। क्यों? क्योंकि इन तीनों में कुछ कॉमन नहीं है। ये बात तो समझ में आ गई होगी आप लोगों को कि सहभाज्य कहते किसे हैं। ठीक, को प्राइम नंबर वाली बात क्लियर हो गई। तो चलिए, अगर इतना क्लियर हो गया हो तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो, एक संख्या होती है रामानुजन नंबर। वैसे हमें लगता है कभी एग्जाम में देखने को नहीं मिला है, लेकिन जानकारी के लिए थोड़ा सा बता दे रहे हैं, एक ही लाइन की बात है तो लिख दे रहे हैं यहाँ पे रामानुजन नंबर। इसको हम लोग कहते हैं रामानुजन संख्या। ठीक, ये वैज्ञानिक थे रामानुजन, मतलब एक गणितज्ञ थे, तो उन्हीं के नाम से इसको बनाया गया है। ठीक, उन्होंने इसकी खोज की थी, यही रामानुजन, इन्हीं ने इसकी खोज की थी, तो इन्हीं के नाम पे ही इसका नाम दे दिया गया। बात समझ रहे हैं? इन्हीं के नाम पे इसका नाम दे दिया गया। तो देखो, रामानुजन नंबर कहते किसे हैं, यहाँ पे पहले मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल बना रहा हूँ, फिर उसी को हम डिफिनीशन में बदल देते हैं। क्या कर रहे हैं? छोटा सा एग्जाम्पल बना रहे हैं, फिर उसी को डिफिनीशन में बदल दे रहे हैं। अब बात को, अब पहले डिफिनेशन सुन ले, फिर हम एग्जाम्पल लिख रहे हैं। ठीक, देखो, ऐसी संख्या जिसको दो अलग अलग तरीके से दो अलग अलग संख्याओं के घनों के योगफल के रूप में लिखा जा सके, वही कहलाती रामानुजन नंबर। बहुत टफ लग रहा होगा ना, फिर से एक बार सुनो बिल्कुल यहां से। अच्छा, अब की बार देखो, मैं यहां पे दिखा के बता रहा हूं। ऐसी संख्या, ये यन हमारा क्या है, कोई नंबर है, संख्या है। ऐसी संख्या जिसको दो अलग अलग तरीके से, ये हमारा पहला तरीका हो गया और ये हमारा दूसरा तरीका हो गया, जिसको दो अलग अलग तरीके से दो अलग अलग संख्याओं के, यहां भी दोनों संख्या अलग अलग, यहां भी दोनों संख्या अलग अलग, के घनों के योगफल के, घनों के योगफल के रूप में व्यक्त किया जा सके, तो वही रामानुजन नंबर कहलाती है, रामानुजन संख्या कहलाती है। अब मैं एग्जाम्पल एक संख्या का ले रहा हूं, 1729 का। मैं एग्जाम्पल किसका ले रहा हूं, 1729 का। बात समझ रहे हैं? देखो इसको हमें किस रूप में लिखना है,
पहला रूप हमारा ये वाला होना चाहिए और दूसरा रूप हमारा ये वाला होना चाहिए। तो 1729 को हम लोग लिख सकते हैं एक का क्यूब और धन 9 का क्यूब और धन 10 का क्यूब। अब देखो 9 का क्यूब और धन 10 का क्यूब, पहला तरीका हमारा ये, अभी दूसरा तरीका भी लिख रहे हैं। 9 का क्यूब मतलब कितना, 729, और धन 10 का क्यूब मतलब कितना, 1000। तो ये फाइनली कितना हो गया, 1000 और 729, 1729। बात क्लियर है, 1729। और दूसरा तरीका देखो, इसको हम लिख सकते हैं एक का क्यूब और धन 12 का क्यूब, 12 का क्यूब, एक का क्यूब धन 12 का क्यूब। एक का क्यूब कितना, एक का क्यूब एक, और 12 का क्यूब कितना, 1728। 12 का क्यूब कितना, 1728, और 1728 और एक कितना, 1729। बात समझ रहे हैं? अच्छा, आप लोगों को अभी ये भी नहीं समझ में आ रहा कैसे मतलब किसी संख्या का घन निकालें, कैसे किसी संख्या का जल्दी से हम लोग वर्ग ज्ञात करें, वर्गमूल ज्ञात करें, तो ये सब भी हम आपको बताएंगे कभी, ठीक। अभी यहाँ पे ये समझे कि ये हो गया ना डिफिनीशन, जब किसी संख्या को दो अलग अलग तरीके से दो अलग अलग संख्याओं के घनों के योगफल के रूप में लिखा जा सके तो उसी को हम लोग कहते हैं रामानुजन नंबर या रामानुजन संख्या कहलाती है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं परिमेय अपरिमेय के बारे में या आवर्त दशमलव के बारे में थोड़ा सा जान ले रहे हैं। रिकरिंग डेसिमल नंबर, तो ये हो गया रिकरिंग डेसिमल नंबर, इसको हम लोग कहते हैं आवर्त दशमलव संख्या, आवर्त आवर्त दशमलव संख्या। अब देखिए आवर्त दशमलव संख्याएं कहते किसे हैं, ऐसी संख्याएं जिनमें किसी अंकों की बार बार पुनरावृत्ति हो, ठीक, वही आवर्त दशमलव संख्या कहलाती है। इसमें कोई बड़ा काम नहीं है, बस आप देख लो, जैसे हम कहें ये 20/3 है ना, जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो सबसे पहले तो 6 बार भाग जाएगा 20 में, अभी 2 बचा है, तो अब दशमलव लगाएंगे, फिर 2 में 0 बढ़ाएंगे, फिर 6 बार जाएगा, 6 6 6, तो ये ऐसा बढ़ता चला जाएगा। तो ऐसी जो संख्याएं होती हैं इनको हम लोग क्या कहते हैं, आवर्त दशमलव संख्याएं। मतलब इसमें क्या होता है, किसी अंक का बार बार रिपीटेशन होता है, बार बार संख्याएं आती हैं, वही अंक बार बार आता है, तो उसी को हम लोग कहते हैं आवर्त दशमलव संख्याएं। तो इसको इसमें कुछ खास नहीं है आवर्त दशमलव संख्याएं, जैसे ये सब हुआ, आप 10/3 लिख लो, 10/3 में भाग दोगे, 3 3 9, 1 10, 3 3 9, 3 3, तो ये ऐसा आता चला जाएगा। ऐसी जो संख्याएं हमारी बनती है ना, उन्हीं को हम लोग कहते हैं रिकरिंग डेसिमल नंबर, आवर्त दशमलव संख्याएं। बात क्लियर? तो आगे बढ़ें, अब हम लोग आते हैं अपनी अगली हेडिंग पे, 15 नंबर। अब हम लोग पढ़ लेते हैं कि वास्तविक संख्याएं किसे कहते हैं, और वास्तविक पढ़ लिए तो अवास्तविक अपने आप समझ में आ जाएगा। वास्तविक संख्या है रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं,
देखें, वास्तविक संख्याएं कहते किसे हैं? वह संख्याएं जो निश्चित रूप से संभव हों, कल्पना नहीं होना चाहिए, वह संख्याएं जो निश्चित रूप से संभव हों उन्हीं को हम लोग कहते हैं वास्तविक संख्याएं। इसकी डिफिनीशन ही यही है एक लाइन की, वह संख्याएं जो निश्चित रूप से संभव हों वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। अब देखो, अब जैसे हमें वास्तविक संख्या की बात करना है तो इसी के साथ साथ हमें अवास्तविक की भी बात कर लेते हैं। अगर हम अवास्तविक की बात करें अब देखो, जैसे अगर कोई संख्या n स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस, यहाँ पे हम एक्स वाई जेड कुछ भी लिख दे रहे हैं, ठीक, अगर कोई इस प्रकार की संख्या है कि उसका हम लोगों ने वर्ग किया, ठीक, उसका हम लोगों ने वर्ग किया, उसके बाद वो क्या आया, निगेटिव में आया, तो क्या ऐसा कभी संभव होता है किसी भी संख्या का? अब यहाँ पे देखो, मैं एग्जांपल दिखा दे रहा हूँ, जैसे सपोज दैट हमारे पास माइनस एक है, तो जब इसका वर्ग करोगे तो क्या आएगा, प्लस में एक आएगा ना, माइनस पाँच है, इसका वर्ग करोगे तो क्या आएगा, प्लस पच्चीस, ठीक, मतलब पच्चीस आएगा, ठीक, बात समझ रहे हैं? अगर आप यहाँ पे करो, अगर हमारा केवल भी पाँच हो, इसका भी वर्ग होगा तो भी क्या रहेगा, पच्चीस। इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है, किसी भी संख्या का वो चाहे ऋणात्मक हो चाहे धनात्मक, अगर हम लोग वर्ग करेंगे तो कभी माइनस में आ नहीं सकता, कभी माइनस में हो ही नहीं सकता। लेकिन अगर जबरदस्ती क्वेश्चन में दिया हो तो इसी को हम लोग कहते हैं कि ये हमारा जो है ये क्या है, काल्पनिक नंबर। अब ये ऐसा संभव होता नहीं है, लेकिन अगर ऐसा दिया गया है तो यही हमारा कहलाता है काल्पनिक नंबर। और इसी काल्पनिक नंबर को जब हम लोग देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो इसी को हम लोग देखो कहते कि कहते हैं यन स्क्वायर इज इक्वल टू कि आई स्क्वायर और इनटू एक्स। अब आई स्क्वायर मतलब क्या होता है, कि होता है बराबर माइनस वन, ठीक, ये है इमेजिनरी नंबर। आई मतलब काल्पनिक संख्या, मतलब इमेजिनरी नंबर, जिसको हम लोग इमेजिन करते हैं, कल्पना करते हैं, ठीक। तो हम लोग देखो यहाँ पे केवल एक्स है, इसको हम लोग क्या माइनस वन इंटू एक्स कर सकते हैं, कर सकते हैं ना, और माइनस वन को हम लोग लिखते हैं आई स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एन स्क्वायर इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू एक्स। बात समझ में आ रही? तो ये होती हमारी काल्पनिक संख्याएं, ऐसे बनती काल्पनिक संख्याएं। ओके, आगे बढ़ें, चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं परिमेय और अपरिमेय की, ठीक, परिमेय और अपरिमेय की। कितना नंबर था, 15, 15 था, अगला 16 नंबर। रेशनल नंबर मतलब परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं, अब परिमेय संख्या कहते किसे हैं? ऐसी संख्या, ऐसी संख्या जिसे p बटे q के रूप में निरूपित किया जा सके या व्यक्त किया जा सके, उसको हम लोग कहते हैं परिमेय संख्याएं। कैसी संख्या? जिसको हम लोग p बाई q के रूप में दिखा सकें, प्रदर्शित कर सकें। और यहाँ एक बात और समझनी होती है, लिख दे रहे हैं, जहाँ Q इज नॉट इक्वल टू जीरो, Q का मान कभी भी जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर Q का मान जीरो के बराबर हो गया तो जीरो से किसी संख्या में भाग देने पे अनंत आता है, और उसको हम लोग परिमेय और अपरिमेय नहीं कहते हैं, बात समझ लो इसको। तो P बटा Q के रूप में हम लोग निरूपित भी कर सकें, और उसके बाद Q
क्यू कभी भी जीरो के बराबर ना हो, क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। बात समझ में आ रही है? तो इसी को हम लोग परिमेय संख्या कहेंगे। और मैं यहाँ पे कुछ संख्याओं के बारे में भी बता दे रहा हूँ। देखो, जैसे हमारी बात अगर हम कहें कि ये हमारा अंडर रूट 16/5, ये परिमेय है या अपरिमेय, तो इसको आप लोग क्या बोलोगे? देखो, अंडर रूट 16 का मतलब क्या, आप 4 कर सकते हो, 4/5, तो ये पी बटा क्यू हो गया, परिमेय है। लेकिन अगर आप कहो कि अंडर रूट 15/2, ये परिमेय है कि अपरिमेय? अब ये पी बाई क्यू के रूप में नहीं, अगर ऐसे कोई अंडर रूट में संख्या रहती है जिसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं, मतलब जिसका हम लोग वर्गमूल नहीं ज्ञात कर सकते हैं, तो इसको हम लोग कहेंगे क्या, ये परिमेय नहीं है। अगर हम लोग वर्ग ज्ञात कर ले रहे हैं इसका, देखो इसका वर्गमूल ज्ञात कर पा गए ना, तो ये हम लोग बोल दिए परिमेय, लेकिन वो परिमेय नहीं है, इस बात को समझिए। अब इसके बाद अगर हम लोग आगे देखें, अच्छा यहाँ पे जो सबसे बड़ी समस्या हमारी फंसती है कि हम लोग पहचाने कैसे कि कब संख्या मतलब परिमेय होती है और कब अपरिमेय होती है। और एक जो सबसे बड़ा यहाँ का मुद्दा होता है वो पाई का होता है, तो उसको मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। देखो, पाई वाला मुद्दा मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ कि पाई का मुद्दा क्या है, इसको मिटा दे रहे हैं। पाई वाला हम लोग मुद्दा देख लेते हैं। देखो, एक तो होता है 22/7, 22/7, दूसरा होता है 3.14, क्लियर, और तीसरा होता है पाई। बात एक ही दिख रही है, अरे लग रहा होगा सर ये क्या लिख रहे हैं, पाई का ही मान तो 22/7 होता है, और जब 22/7 को हम लोग भाग करते हैं तो ये आता है। देखो, 7×3=21, 1/22.07, 3×10, फिर 0 बढ़ा, फिर 7×4=28, 2×30, फिर ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा। लेकिन अगर हमसे पूछा जाए कि इन तीनों में अगर हम बात करें कि इसमें, इसमें और इसमें, यहाँ देखें, इसमें, इसमें और इसमें कौन परिमेय कौन अपरिमेय, तो हम इसको कहेंगे, ये दिख रहा है पी बाई क्यू क्या है, परिमेय, क्लियर है परिमेय। 3.14 अगर है तो इसको भी हम लोग कहते हैं ये है परिमेय, क्यों, क्योंकि इसको हम लोग लिख सकते हैं 3.14 लिखा है ना, इसको ऐसे करके और बटा एक कर सकते हैं, या यहां से हम लोग अगर दशमलव को रिमूव करेंगे तो हमारा क्या हो जाता है, बटा ऐसे उतना 0 बढ़ा देते हैं, बात समझ रहे हैं, ऐसे करते हैं। बात फंसती है पाई की, तो देखो ये भी परिमेय हो गया और ये भी हमारा परिमेय हो गया 3.14, फंसी बात पाई की। अगर मैथमेटिकल वैल्यू में देखा जाए तो पाई का मान कितना माना जाता है, 22/7, उसी को हम लोग 3.14 कहते हैं। लेकिन ये दोनों तो परिमेय हो गए, लेकिन ये जो पाई है ना, क्या ठहरा, ये अपरिमेय। इसको अपरिमेय कहते क्यों हैं, आज इस बात को भी हम लोग समझ लेते हैं कि हम लोग पाई को अपरिमेय क्यों कहते हैं। 95% बच्चों को मालूम ही नहीं होता पाई अपरिमेय क्यों होता है, और जबकि 22/7 परिमेय क्यों होता है। आज आप लोग इस बात को समझ लो, ये पाई जो होता है ये सिर्फ हमारा एक माना गया, ये पाई पहली बात तो एक चिन्ह है, इस पाई को हम लोग क्या समझते हैं, एक चिन्ह है, सिंबल जिसको हम लोग कहते हैं। पाई हमारा एक चिन्ह है, सिंबल है, और परिमेय अपरिमेय ज्ञात करने के लिए पाई का मान क्लियर नहीं होता है, क्योंकि ये एक चिन्ह है, एक सिंबल है, इसकी वैल्यू इतना मान रखा है, ठीक, सिर्फ माना गया, इसका मतलब ये नहीं कि ये परिमेय हो जाएगा, ये एक चिन्ह है, सिंबल है, और परिमेय अपरिमेय ज्ञात करने के लिए पाई का मान परिभाषित नहीं है। बात समझिए, परिमेय अपरिमेय ज्ञात करने के लिए
पाई का मान परिभाषित नहीं है। क्यों? क्योंकि पाई हमारा एक सिर्फ चिन्ह है, हम इसको सिंबल के रूप में प्रयोग करते हैं, लेकिन ये मान लेते हैं 22/7। ठीक, तो इसका मतलब ये नहीं कि इसको हम लोग परिमेय कह देंगे। बात को समझिए कि पाई हमारा एक चिन्ह है और परिमेय परिमेय ज्ञात करने के लिए पाई का मान परिभाषित नहीं है, अतः पाई क्या है? हमारा अपरिमेय संख्या है। ठीक, अब जब परिमेय वाली बात समझ में आ गई तो अपरिमेय आप लोग अपने आप इरेशनल नंबर समझ गए होंगे। इरेशनल नंबर मतलब अपरिमेय संख्या, क्या जिस संख्या को हम लोग पी वाई क्यू के रूप में निरूपित नहीं कर सके वो अपरिमेय संख्या हो जाती है। यहाँ पे हम आगे बना दे रहे हैं, इरेशनल नंबर अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर अपरिमेय संख्या ऐसी संख्या है जिनको पी वाई क्यू के रूप में निरूपित नहीं कर सकेंगे, एक सिंपल सी बात है, वो अपरिमेय संख्या हो जाएगी। अब देखो अपरिमेय संख्याएं होती कौन कौन सी हैं, जैसे हमने अभी एक क्वेश्चन लिखा था √15/2 ऐसा कुछ था, हाँ, तो उसको हमने बोला अपरिमेय। ठीक, क्योंकि जब तक हम लोग परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकाल पाएंगे तब तक हम लोग परिमेय नहीं कहेंगे। चलो अब हम लोग बात करते हैं, सभी हमारी जो आवर्त दशमलव संख्याएं होती हैं वो परिमेय होती हैं। सभी आवर्त दशमलव संख्याएं क्या होती हैं? ये परिमेय संख्या होती हैं। लिख दे रहे हैं, परिमेय लिख दे रहे हैं। परिमेय संख्याएं होती हैं, सारी की सारी हमारी आवर्त दशमलव संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं। जैसे अभी हमने लिखा था 20/3 देखे थे ना, 0.666 10/3 देखे थे ना, 3.3333, तो ये क्या थी? आवर्त दशमलव संख्या हमारा ऐसे लिख दिया गया 0.7 और इसके ऊपर 12, ये क्या है? आवर्त दशमलव। इसका मतलब ये जो बार लगा होता है ना, इसका मतलब ये होता है कि जो अंक 7 है ये बार बार आ रहा है, मतलब 7 का रिपीटेशन हो रहा है, 7 रिपीट हो रहा है, तो इसी को हम लोग लिखते हैं 7/9। तो ये क्या हुआ? परिमेय हुआ कि अपरिमेय? परिमेय है ना, पी बाई क्यू है, इसको हम लोग बोलते हैं परिमेय। इसीलिए हमने कहा कि जितनी भी आवर्त दशमलव वाली संख्या होती है परिमेय संख्याएं होती हैं, लेकिन एक इस तरीके की होती है। ये देखें, जैसे हमारे लिखा गया है 0.1 फिर 2 2 3 3 3 4 4 4 4 और ऐसे ही आगे बढ़ती रहेगी। अब जब बात यहाँ पे फंसेगी तो इसको हम लोग कहेंगे ये अपरिमेय है। अब इसको हम लोग पी बाई क्यू के रूप में निरूपित ही नहीं कर पाएंगे। बात समझ रहे हैं? ये हमारी क्या होती है? ये तो सही है, ये परिमेय हो गया, आवर्त दशमलव संख्याएं परिमेय हो गया, लेकिन ऐसी संख्याएं जो इस टाइप की होती हैं ये क्या होती है हमारी? अपरिमेय। ये क्या है? अपरिमेय। बात समझ रहे हैं? ये परिमेय संख्या नहीं है। और इसमें एक दो फैक्ट और होते हैं, उनको देख लेते हैं हम लोग कि दो परिमेय, जैसे ये हमारी पहली संख्या है ये हमारी दो परिमेय संख्याएं हैं। ठीक, ये हमारा पहला संख्या है और ये हमारा दूसरा संख्या है। दो परिमेय संख्याओं का अगर हम योगफल करें, अगर हम इन दोनों को जोड़ लें, पहली धन दूसरी, या इन दोनों को हम घटा दें, पहली माइनस दूसरी, या इन दोनों का हम गुणा कर दें, पहली गुणे, या इन दोनों का हम क्या कर दें, भाग कर दें, पहली भागे, दो परिमेय संख्याओं का चाहे योगफल करो, चाहे अंतर करो, चाहे गुणा करो और चाहे भाग करो,
ये सभी क्या आता है, परिमेय ही आता है, ये परिमेय संख्या ही आएगा। दो संख्याओं का अंतर, योगफल, भागफल, गुणनफल हमेशा एक परिमेय संख्या होता है। अब अपरिमेय की बात कर लेते हैं। अपरिमेय अब देखो, जैसे हमारी दो अपरिमेय संख्याएं हैं, ये पहली है और ये दूसरी है। दो अपरिमेय संख्याओं का अगर हम योगफल करें, पहली धन दूसरी, या इन्हीं दो परिमेय संख्याओं का हम अंतर करें, पहली माइनस दूसरी, या इन्हीं दो संख्याओं का हम गुणनफल करें, पहली गुणे दूसरी, या इन्हीं दो संख्याओं का हम भागफल करें, पहली भागे दूसरी। तो देखो, दो अपरिमेय संख्याओं का योगफल और अंतर हमेशा एक अपरिमेय संख्या ही होता है। ये क्या होगा? अपरिमेय। हमेशा एक अपरिमेय संख्या होता है। और दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल और भागफल, देखो योगफल और अंतर तो हमेशा अपरिमेय होगा, ये क्लियर है अपरिमेय वाली। अगर इनका गुणनफल और भागफल की बात करें तो ये परिमेय भी हो सकता है और अपरिमेय भी हो सकता है। तो ये हमारा क्या हो सकता है? परिमेय या अपरिमेय। बात समझिए, दो संख्याओं का भाग, दो अपरिमेय संख्याओं का भागफल और गुणनफल परिमेय अपरिमेय कुछ भी हो सकता है, लेकिन योगफल और अंतर हमेशा एक अपरिमेय संख्या ही होता है। तो ये हमारा था एक बेसिक। अभी तक हम लोगों ने जितना भी कुछ पढ़ा है, ये मैथमेटिक्स का इंट्रोडक्शन था। जैसे कि हमने पहली हेडिंग बनाया था, ये हम लोग आज पढ़े इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर्स। कल से हमारा पहला चैप्टर स्टार्ट होगा, क्या? औसत, एवरेज, सॉरी एवरेज नहीं, हम लोग पहले पढ़ेंगे, पहले हम लोग पढ़ेंगे नंबर सिस्टम। और देखो, ये जो हम लोग पढ़ेंगे ना, ये आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रख के ही पढ़ा जाएगा, उसको ध्यान में रख के ही अध्ययन किया जाएगा कि कौन सी परीक्षा हमारी आने वाली है और उस परीक्षा में कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। तो इन सब बातों को हम लोग ध्यान में रख के ही अध्ययन करेंगे। और ये आज हमारा था बेसिक इंट्रोडक्शन, जिसमें हम लोग संख्याओं का परिचय पढ़ लिए, संख्याओं के बारे में आज सीख गए हैं। अब हम लोग जब अगले दिन मिलेंगे तो हमारा चैप्टर स्टार्ट होगा, ठीक। तो ये सारी बातें आपको क्लियर हो गई होगी। अगर आपको रिवीजन करना हो या फिर इन सब का स्क्रीनशॉट लेना होगा तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेके आराम से लिख लीजिएगा। लेकिन हम यही सजेशन देंगे कि आप लोग जब वीडियो देख रहे हों तो उसी समय कॉपी और पेन लेके बैठे, वीडियो को पॉज कर करके अपना डेफिनेशन भी साथ में लिखते चले, जिससे आपको रिवीजन करने में आसानी होगी और आपके पास नोट डाउन रहेगा। आप जब भी भूलेंगे तो बस एक बार कॉपी उठाए और रिवीजन कर लिए, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ओके। तो अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।